हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर, जिसका मुख्य विषय है शैशवावस्था के जोखिम, यानी कि हजार्ड्स ऑफ इन्फेंसी। शिशु बहुत ही असहाय यानी कि हेल्पलेस और पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। यही दो चीजें, उसका असहायपन, हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंसी, मुख्य रूप से उसको खतरों के प्रति वल्नरेबल बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चूंकि वो छोटा है, अपने शरीर पर उसका कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है और जो पैथोजेंस हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के आतुर रहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को बहुत ही जोखिम में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं जोखिमों को, उन्हीं हजार्ड्स को या उन्हीं खतरों की हम डिस्कशन करेंगे जो एक शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और कई बार तो वो जानलेवा भी हो सकते हैं। ये खतरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। शुरुआत करते हैं वो खतरे जो एक शिशु को बहुत ही खतरनाक स्थिति में डाल सकते हैं अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा आपका परिचय कराते हैं, ये होता क्या है, शैशवावस्था क्या है, कौन कौन से खतरे क्या है वो खतरे। शैशवावस्था का चरण, जैसे मैं पहले कई बार वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फिर याद दिला देता हूं, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी कई बार भूल जाते हैं विद्यार्थियों के अंदर, ऐसा होता है। जो शैशवावस्था का चरण है वो 0 से 24 महीने यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इस पीरियड को मुख्य रूप से इन्फेंसी या शैशवावस्था कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो है पूर्ण रूप से माता पिता पर अत्यधिक निर्भर होता है और असहाय होता है। और आप और हम भी रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि हम भी शैशवावस्था से गुजरे हैं। और जब ये निर्भर रहता है तो उसके साथ साथ जो बाहरी वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसकी कुछ चुनौतियां का सामना करने में वो पूर्ण रूप से असमर्थ होता है। और ये वातावरण की चुनौतियां, चाहे वो वातावरण एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, किसी प्रकार का एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट से पनपने वाली चुनौतियां, उन्हीं को जोखिमों के रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आप बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चुनौतियों का जो सामना हम करते हैं, उन्हीं चुनौतियों का सामना शिशु नहीं कर पाता है और शिशु के लिए वही खतरे बन जाते हैं, वह जोखिम बन जाते हैं। और ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। फिर इनका असर क्या होता है कि कोई आप में से बता सकता है, मुझे लगता है कि आप समझ गए तो जरूर बताएंगे। चलिए आप बताइए, जिसने लाल सूट पहन रखा है। हाँ आप, ओ बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब आपका है, बिल्कुल सही कहा आपने। इन जोखिमों से जो शिशु है उसके अंदर जो विकास की प्रक्रिया है ना, वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है नेगेटिवली। अगर इन खतरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये कौन कौन से हैं जोखिम, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। एक एक करके हम पढ़ते हैं इनको। मनोवैज्ञानिक खतरे कौन कौन से हैं या जोखिम कौन कौन से हैं या साइकोलॉजिकल हजार्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जन्म से संबंधित मान्यताएं और विश्वास, बिलीफ। आप देखिए, हर संस्कृति में कुछ ना कुछ जन्म से संबंधित कुछ ना कुछ यूनिक मान्यताएं होती हैं, यूनिक विश्वास होते हैं। और ये जो मान्यताएं होती है ना, उस संस्कृति का जो प्रभाव लोगों पर पड़ता है, उस ट्रेडिशंस का जो प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम होते हैं। आप देखिए, कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं बहुत ही कठिन उनके मान्यताएं होती हैं, जो कि महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाती हैं। मैं यहाँ किसी एक संस्कृति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी संस्कृतियों में प्रसव के बाद, जन्म के बाद महिलाओं को क्या करते हैं, 1 या 2 सप्ताह तक या और भी उससे अधिक दिन तक एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा जाता है। बहुत से लोगों, कई लोग उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनको प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता। उनकी मान्यताएं हैं ऐसी, उनके कुछ विश्वास ऐसे हैं। इसका क्या असर होता है, इन ऐसी चीजों का जो कि नकारात्मक हैं, उनका
शिशु और जो महिलाएं हैं दोनों, माता माँ और जो शिशु दोनों के ऊपर जो एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, उनके अंदर एक भय, एक हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न हो सकती है, और जिसका सीधा का सीधा असर शिशु के ऊपर पड़ता है। अगला देखिए, प्राकृतिक बेबसी, बिल्कुल सही बात है ये कि जो शिशु है बेबस तो रहता है, ये असहाय रहता हो, ये प्राकृतिक का ये नेचुरल है। ये भी कई बार नहीं, मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि बहुत बार शिशु को जो लाचार बनाती है और उसके मनोवैज्ञानिक विकास में जो ये बेबसपन होता है, असहायपन होता है, एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है, एक बहुत बड़ी बाधा होती है। आगे हम देखते हैं अति संरक्षित, बहुत ही बढ़िया बात है ये, बहुत आज के जमाने में इसको हम नया शब्द दिया है अंग्रेजी में, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर होरिंग कर सकता है ऊपर, उसी प्रकार आज के माता पिता और प्रोटेक्टिव हो गए, अति संरक्षित हो गए हमारे अपने बच्चों के लिए, जिनको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हर समय अपने बच्चों पर वो नजर रखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति उन चीजों को जन्म दे रही है कि ऐसे शिशु जिनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की तरह लालन पालन किया गया है, उनमें जब वो बड़े होते हैं आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मसम्मान की कमी होती है, उनका जो सेल्फ होता है, स्वयं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और उनके अंदर जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो लेथार्जिक इंट्रोवर्ट टाइप से वो पाए जाते हैं। ये कारण ये क्या है, क्योंकि शैशवावस्था में बहुत ही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यानी अति संग्रह और प्रोटेक्टिव उनको पाला गया है, जिसका मनोवैज्ञानिक असर उन पर पड़ता है और जिसका कैरी ओवर इफेक्ट आने वाले जीवन पर पड़ता है। तो ये थी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। विकासात्मक पिछड़ना, लैगिंग, डेवलपमेंटल लैगिंग, वो क्या होती है कि जो कुछ शिशु ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के बच्चों से मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होने में, उनका संज्ञानात्मक विकास में वो पिछड़ जाते हैं, और वही होता है विकासात्मक पिछड़ना। एक इसका कारण क्या होता है, कुछ जटिलताएं होती हैं, जन्म संबंधी कुछ जटिलताएं होती है, कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं और कुछ मेडिकल ऐसी कंडीशंस होती है जिनके कारण व्यक्ति या शिशु का विकास पिछड़ जाता है, और वो उसकी मानसिक स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो जीवन भर या कई बार तो जीवन पर्यंत उसको परेशान करता रहता है। अब आप देखिए, डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, विकास संबंधी समस्याएं, वो विकास पिछड़ापन था, ये विकास संबंधी समस्याएं, दोनों में अंतर है। कुछ शैशवावस्था से कुछ विभिन्न कारकों के कारण जो है शिशु को संज्ञानात्मक, भावनात्मक, भाषण और भाषा क्षेत्रों में विकास संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से उसका विकास सही से नहीं हो पाता है। इन जोखिमों पर अगर उस माता पिता की या उसके जो केयर गिवर्स हैं उसकी जो संपूर्ण नजर नहीं हो, वो जोखिमों से उसको ना बचाया जाए, तो क्या होगा, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी बोलने की प्रक्रिया या कैसा वो लैंग्वेज बोलेगा, इस सारा का सारा असर उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो उसको जीवन पर्यंत परेशान कर सकता है। अगला पॉइंट है माँ का जो है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ऑफ मदर। ये काफी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक शिशु पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ संस्कृतियों में, कुछ समाजों में माताओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर माँ को जो है पहले ही एक टेंशन, एक एंजाइटी, एक खतरा, एक अवसाद, ये सारा उसको होने लगता है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसने देखा होता है दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होता है, वो सोचती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, जिस कारण से वो पूर्ण रूप से एंजाइटी उसके अंदर विकसित हो जाती है, अवसाद हो सकता है, उसको आशंका होती है कि मेरा जीवन कैसा होगा। ये सारी चीजें एक शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। हो सकता है सीधा असर इसका ना पड़े, तुरंत असर इसका ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। माता पिता का दृष्टिकोण कैसा होता है नए शिशु के लिए, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उनका कैसा रवैया है, क्योंकि ये उनका रवैया ये फैसला करता है कि उसका लालन पालन कैसा होगा, और उसका लालन पालन यानी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस जो है वो उन प्रथाओं पर आधारित होती है कि माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है, और माता पिता का दृष्टिकोण उसके सामाजिक, उसके सांस्कृतिक माहौल से विकसित होता है, और जिसका शिशु के विकास के साथ साथ सीधा संबंध होता है। अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो बच्चे का जो विकास है मनोवैज्ञानिक विकास भी बहुत ही शानदार और बढ़िया होगा, और बच्चे का अगर माता पिता का दृष्टिकोण अगर नेगेटिव है तो सीधा असर इसका नेगेटिव ही पड़ेगा, यानी सीधा संबंध होता है। दूसरा देखेंगे इसी के साथ साथ एक जुड़ा हुआ कारक एक और भी है, जो है परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण। परिवार के सदस्यों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं,
वो शिशु के प्रति उनके रवैये को निर्धारित करती हैं। किस तरह से माता पिता को वो उसके परिवार के लोग और उस नए बच्चे आने पर उनको देखते हैं, कैसे वो उनका रवैया रहता है। चाहे कई बार शिशु का जो जेंडर होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कारक होता है, जिसके परिवार सदस्यों का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये दृष्टिकोण उनके व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है और शिशु पर प्रत्यक्ष और डायरेक्ट प्रभाव डालता है। एक और देखिए इसमें फैक्टर है, नामकरण। ये बहुत ज्यादा इसका कोई शिशु पर ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा कारक है। नाम किसी व्यक्ति की जो प्राथमिक पहचान होती है, प्राइमरी आइडेंटिफायर होता है नेम, जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और सेल्फ पर जीवन पर्यंत बना रहता है, कभी नहीं बदलता। वो कई बार माता पिता प्यार से हास्यजनक नाम रख देते हैं, कोई अनुचित नाम रख देते हैं, उनकी संस्कृति से हटकर नाम रख देते हैं, जो कि बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। पूरे जीवन भर बच्चा उस नाम को लेकर अपने आप में एक हीन भावना उनके विकसित हो सकती है, जो कि उसके विकास पर, मनोवैज्ञानिक विकास पर सीधा असर डाल सकता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक जोखिम यानी कि फिजिकल हैजार्ड्स। ये होते हैं, सबसे पहला फिजिकल हैजार्ड इसकी हम बात करेंगे, समय से पहले जन्म, प्री मैच्योर डिलीवरी जिसकी बात करते हैं। ये इसको जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो बताते हैं कि आपकी ड्यू डेट या नियम जो नियत तारीख है जन्म की, उसे 3 सप्ताह या उससे पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले जन्म उसकी बात हम करते हैं, उसे कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म समय से पहले उसकी डिलीवरी होती है, जन्म लेता है, तो शिशु के सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके फेफड़े जो है अपरिपक्व इमैच्योर पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जिसके कारण से उसका रेस्पिरेशन क्रिया पर सीधा असर पड़ता है। शरीर का तापमान यानी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट टेम्परेचर के साथ, बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसमें उसको कठिनाई होती है, और वो भी एक बहुत बड़ा शारीरिक जोखिम है। उससे उसका वजन और भी बहुत चीजें हैं, अगर बच्चा समय से पहले जन्म लेता है तो उसका वजन भी है धीमी गति से बढ़ता है, जो कि उसके लिए एक खतरा हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं, जन्म प्रक्रिया संबंधित जटिलताएं, कुछ बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, वो क्या चीजें हैं। जन्म संबंधित कुछ समस्याएं, जैसे कि जन्म से पहले बच्चे की असामान्य स्थिति यानी गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाना, जो गर्भनाल है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, बच्चे की गर्दन चारों ओर लिपट जाता है, बच्चे से पहले जो जनन मार्ग है जो कि आपका बर्थ कैनाल है उसमें गर्भनाल का आ जाना, जनन मार्ग बच्चे का फंस जाना आदि आदि, कुछ ऐसे सारे बहुत सारी जटिलताएं होती हैं जो उसको जब वो जन्म लेता है तो उसको शारीरिक जोखिम उसको हो सकते हैं, कोई ना कोई उसको परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ केवल शिशु ही नहीं है उसको शारीरिक परेशानी होगी दोस्तों, माँ को भी खतरा हो सकता है। आगे देखिए, नवजात शिशु या शिशु मृत्यु दर, यह भी एक बहुत बड़ा जोखिम है। 5वें जन्मदिन से पहले 1000 शिशुओं पर मृत शिशुओं की संख्या को हम नवजात शिशु या शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। समय से पहले जन्म, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण शिशु मृत्यु दर जो है ज्यादा होती है, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी, निमोनिया, जन्मजात विकृतियां जो कि उसको जन्म से लेकर आता है वो, या फिर लेबर पेन जो माँ का बहुत लंबा अगर हो जाए तो इससे भी शिशु के मरने की संभावना होती है। उसे पैदा होते ही कुछ उसके संक्रमण होने लगते हैं, दस्त हो सकता है, मलेरिया, खसरा, कुपोषण, कुछ ऐसे कारक हैं बिल्कुल जो शिशु को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। और यही कारण है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर शिशु मृत्यु दर अधिक है। कारण एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव, दोनों मिलकर शिशु मृत्यु दर को बहुत अत्यधिक बढ़ा देते हैं। यह भी एक शारीरिक जोखिम है, फिजिकल हैजार्ड है बच्चों के लिए। फिर है रोगों के प्रति संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी। जो रोग होते हैं वो किसी किसी पैथोजेंस यानी रोगजनक होते हैं, उनके कारण बच्चे के अंदर हो सकते हैं, और बच्चा रोगजनों के प्रति, जनकों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, वनरेबल होता है, जिसका मुख्य कारण होता है उसकी अविकसित प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इमैच्योर, अंडर डेवलप्ड उसका इम्यून सिस्टम होता है। और अंडर डेवलप्ड इम्यून सिस्टम है तो जो भारी वातावरण से, जो उसको कठोर वातावरण से, पर्यावरण से जो उसको चुनौतियां मिलती हैं उसका सामना करने में अपने आप को बहुत मुश्किल पाता है, जिसके कारण से रोग या रोगजनक पैथोजेंस उस पर अटैक कर सकते हैं और जिसके कारण से उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने इसको देख लिया होगा, आने वाले समय बहुत से लोग इसको देखेंगे, उनके जीवन में ये घटनाएं आने वाली हैं, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखिए, कोई भी आपको डाउट होगा मुझसे बीच बीच में पूछ सकते हैं, और अगर आप यहाँ बीच में नहीं पूछ पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है वहां डालिए, हम आपके जवाब बिल्कुल सटीक जवाब आपको पहुंचा देंगे। अगला कारक है फिजिकल हैजार्ड जिसको हम कहते हैं प्रसवोत्तर प्रसव यानी पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है
कि समय ड्यू डेट निकल चुकी है, उसके बाद 2 सप्ताह और निकल चुके हैं, बच्चों का जन्म नहीं होता है, यानी कि वो इसको कौन सी स्थिति है, 42 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भी अगर बच्चा जन्म नहीं लेता है उसको पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही खतरनाक है, जितना प्री मैच्योर डिलीवरी है उतना ही खतरनाक ये है। क्या हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकती है, कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं उस बच्चे को, सबसे पहला देखिए मोटापे का शिकार हो सकता है, दूसरा उसको डायबिटीज, बचपन में ही डायबिटीज हो सकती है, शिशु अवस्था में उसको डायबिटीज हो सकती है, सांस लेते वक्त अगर बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और जन्म ले रहा है तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है जिसमें वो द्रव्य जिसमें बच्चा घूमता रहता है माँ के गर्भ में, उस सांस के साथ उसके अंदर जा सकता हो और पूर्ण रूप से उसकी लंग्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। प्लासेंटा अपर्याप्तता जिसको हम कहते हैं, यानी गर्भनाल की जो प्लासेंटा अपर्याप्तता जिसको कहा जाता है, इसकी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कारण क्योंकि प्लासेंटा जो है बच्चा का जो विकास है वो ज्यादा पूर्ण रूप से हो चुका होता है, लेकिन प्लासेंटा की भी तो अपने एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिसके कारण से बच्चे को बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक और कारक है जिसको महत्वपूर्ण से फिजिकल हजार्ड कहा जाता है, वो है आपका एक से अधिक जन्म, ये भी है अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं जिनके बच्चा एक से ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं तो वो भी एक फिजिकल हजार्ड होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा जो क्या होता है उसमें, सबसे बड़ा उसके अंदर हजार्ड जुड़ा होता है, अगर बच्चे एक से ज्यादा हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना सब ज्यादा होती है, सब समय से पहले जन्म शिशुओं में क्या प्रॉब्लम क्या होती है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम और हृदय संबंधी जोखिम यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनीमिया हो सकती है, कम वजन बच्चे का हो सकता है, ये सारी समस्याएं उन बच्चों में पाई जा सकती हैं जिनमें मल्टीपल बर्थ होते हैं। डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं जन्म पूर्व विकास का प्रभाव यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट, उसका भी असर आप देखेंगे कि जो बच्चे का जो प्रीनेटल पीरियड होता है उसमें हर अंग एक निश्चित समय अवधि पर विकसित होता है, ये आपने बिल्कुल देख लिया, अच्छे से समझ भी लिया है मेरी प्रीवियस वीडियोज में बिल्कुल, और वो अवधि किस चीज से निर्धारित होती है, उसकी जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है उसके द्वारा निर्धारित होती है। अगर वो किसी उसके प्रीनेटल डेवलपमेंट के टाइम में जन्म पूर्व विकास के समय उस बच्चे का किसी कारण से कोई अंग विकास के विकास होने में कोई देरी हुई होती है तो उसका असर सीधा सीधा शिशु के जन्म के बाद पड़ता है और वो असर उसको जीवन पर्यंत परेशान कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण हजार्ड है, महत्वपूर्ण जोखिम है। और अंत में शारीरिक जो हमारा जोखिम है, बड़े भाई बहनों का व्यवहार, ओल्डर सिबलिंग्स का बिहेवियर नए बच्चे के प्रति, सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही मजेदार आश्चर्यजनक चीज होती है, लेकिन इसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है। नए बच्चे का आगमन पुराने भाई बहन के लिए थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, जो समायोजन संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। पुराने भाई बहन जो क्या होते हैं, बड़े जो भाई बहन हैं, शिशु से जलन महसूस करने लगते हैं, उन पर प्रहार कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, चुटकी काट सकते हैं, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि तकिए के माध्यम से उसका सांस घोट सकते हैं ताकि उसको दिखाई ना दे और वो ना रहे। ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े वाले सिबलिंग है उसको लगने लगता है कि ये आ गया है और इसके कारण से मेरे की तरफ अटेंशन कम हो गई है, ऑटोमेटिकली माँ की अटेंशन ऑटोमेटिकली बड़े बच्चे से छोटे बच्चे की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाती है क्योंकि बहुत वल्नरेबल होता है, शिशु होता है वो, इस कारण से उन भाई बहनों का व्यवहार भी बदल जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार से कुंठा उत्पन्न होती है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, इसलिए वो अपने आने वाले भाई बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, कई बार ये फैटल होते देखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे शैशव काल के जोखिम, हजार्ड्स ऑफ इन्फेंसी, दीज वर द रेफरेंसेज, ये रेफरेंसेज ये वेबसाइट है जहां से मैंने ली है, आप इन वेबसाइट पर क्रॉस रेफर कर सकते हो। और हमारा जो अगला व्याख्यान नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगा शिशुओं का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंट्स। आपने इस वीडियो को देखा और कोई आपको डाउट है, कोई कमेंट है, किसी भी प्रकार की आप उसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे varmasujit@yahoo.com पर लिख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है वो वेल एंड गुड, इसको शेयर कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। एक बात याद रखिए इसमें, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बताइए, और आपको ये बुरी लगती है तो मुझे बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में दोबारा से मैं और सुधार कर सकता हूं और सुधार करूंगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।